नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सैर करने के लिए निकले हैं, टाइम मिला है तो चलिए आपको ले चलते हैं अपनी ग्रीन सिटी में। तो अब देखिए, यहाँ पे अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन में मकान है। एक तो हमारे बगल में ही है, ये देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन में है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एक खाली प्लाट है, हाँ ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बट अभी इसमें लोग रह रहे हैं, आप देख सकते हैं मकान। ये कोठी तो बहुत प्यारी बन रही है। और इस एरिया का भी पूरा प्लाट खाली पड़ा हुआ है। ये प्लाट तो बिक चुके हैं, पर लोग धीरे धीरे यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन में अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ये ग्रीन सिटी है, कम से कम 2 किलोमीटर के रेंज में ये बचा हुआ है। और इसमें 3 पार्क हैं, आइए चल जाए आपको हर दफा। लास्ट पॉइंट प्लाट है, ये जो आप मकान देख रहे हैं ये सिटी इनक्लेव में पड़ जाता है। और ये और इधर से ग्रीन सिटी में पड़ जाता है, ये बाउंड्री है तरह से। ये पहला पार्क है जो हमारे घर के नज़दीक से पड़ता है। और अभी तो ये बच्चों के खेलने के लिए है, अभी इसमें झूले लगने बाकी हैं। तो यहाँ की ग्रीन सिटी की सोसाइटी है वो इस पर ध्यान दे रही है, पर जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से ही ये काम होगा। सामने मित्र जी हैं जो रेलवे में ड्राइवर हैं, ये उनका मकान है। तो देख सकते हैं, इन्हें बागवानी करने का बड़ा शौक है, तरह तरह के फूल, बागवानी, गमले। और ये देखिए पपीता लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फूल, पपीते। और एक टीवी कोठी है, ये बहुत सुंदर कोठी है। और ये आप पार्क का नज़ारा देख सकते हैं, तो इसमें घास उगाई गई थी। और ये छोटी सी खेती है, इसमें तरह तरह के पौधे उगे हुए हैं। और ये भी देखिए, पपीता लगा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं खेती बाड़ी के लिए। और ये एक शिमला मिर्च लगा हुआ है, देखिए आप उधर हाथ शिमला मिर्च। और ये भी एक कोठी है, बड़ी सुंदर कोठी है। ये हम ग्रीन सिटी के मेन रोड पे आ गए हैं, आप रोड देख सकते हैं, ये 45 फुटा रोड है। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड बनाएंगे, क्योंकि ये एक बाईपास जा रहा है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये वाइट वाइट सी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, उधर भी ये बिल्डिंग है कम्युनिटी सेंटर। तो इसका डेवलप हो रहा था, तो यहाँ से हैवी ट्रक पास हो रहे थे जो कि सीमेंट, रेता, बजरी लेके जा रहे थे, मिट्टी लेके जा रहे थे। तो इस वजह से इस रोड का ये हाल हुआ है, बट उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि हम इसको तैयार करके देंगे। तो जब उधर तैयार हो जाएगा तो ये बनाएंगे। आइए, और ये यहाँ का ग्रीन सिटी का मेन पार्क है। और ये वाटर टैंक है, देख सकते हैं वाटर टैंक। और वाटर टैंक के साथ ये पार्क है। और ये ट्यूबवेल, ये पार्क भी बनाया है, यहाँ बच्चे आए खेलते हैं। अब यहाँ ये ग्रीन सिटी का सेकंड पार्क है,
और सामने देख सकते हैं ये फसल हो पड़ी है, गेहूँ की फसल है जो पक्कर तैयार हो चुकी है, किसी भी टाइम अब इसको काटने की तैयारी की जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक ये फसल पूरी तरह पक गई है। अब हम इसके साथ साथ में पार्क के साथ साथ में चल रहे हैं, आज मौका मिला है, संडे का दिन है। ये टंकी दिखाते हैं आपको, बहुत ही, और ये पार्क के साथ में ये कोठी बनी है, बहुत शानदार कोठी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। देख सकते हैं हरियाली का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, इसलिए तो ग्रीन सिटी नाम रखा है। हरियाली का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं। और जैसा अभी मेरी वाइफ ने बोला कि इसलिए तो इसका नाम ग्रीन सिटी है। ये इसका मेन एंट्रेंस है पार्क का, और ये सामने से हमारा घर भी दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा घर दिख रहा है। और ये डॉगी महाशय जी आ गए हैं, ये देखिए बड़ा गुस्से में लग रहा है, पर बहुत गंदा बहुत है। प्यारा है, प्यारा है, गंदा है भी। और ये भी मकान जो बना है, ये कोठी बनी है, नया है, अभी नया बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी नया बन रहा है। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिजाइन है इनका। और ये जो बैक साइड से कोठी दिखा रहे थे हम लोग, ये फ्रंट से है। और इसके बगल में भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी कोठी बड़ी खूबसूरत बन रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और अच्छा स्पेस है। ये 195 गज के प्लाट हैं, और ये प्लाट जो देख रहे हैं ये भी 195 गज का प्लाट है, हमारा 171 है ना। हाँ, अब एक और दिखा रहा हूँ, ये भी कंस्ट्रक्शन में है। जो ये प्लाट है, जो इस लाइन के प्लाट है, वो 195 के प्लाट है, और ये भी जो है ये भी 195 का प्लाट है, और वो सामने भी देख रहे हैं वो भी 195 का प्लाट है इस लाइन में, अब देख सकते हैं कि लोगों ने ये ईंट मंगा रखी है। ये ईंट बहुत शानदार ईंट है, अब देख सकते हैं A1 क्वालिटी का ईंट है, ये बहुत ही शानदार ईंट है ये दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन में। ख़ास बात यह है कि अभी इस कॉलोनी में रेट बहुत ही डाउन है, तो इसको कोई भी ले सकता है। यहाँ पे 10 से 12 हज़ार गज के बीच में ये सब अवेलेबल है प्लॉट। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्रीन सिटी हम घुमाएंगे। और ये हमारे कॉलोनी के शेर हैं, छोटे छोटे शेर हैं जो रखवाली के लिए कहते हैं, आओ आओ, ये देखिए ये बड़े सुंदर हैं, छोटे से पप्पी है और एक गेट के अंदर है। अच्छा, और इनका एक और था वो चला गया बेचारा, एक्सपायर कर गया, यहाँ पे उसने एक स्नेक आया था, सांप आया था, तो उसको लोगों ने मार दिया था, तो इन लोगों ने खाने की चीज़ समझी और वो उसने खा लिया, और जहर होने की वजह से वो मर गया। अब देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, भूख लगी हुई है। आइए देखिए, बदमाश है ये, बिल्कुल बदमाश है ये, बिल्कुल बदमाश है, आप जानते हैं। आइए ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी परी के दोस्त हैं। हाँ आओ आओ आओ,
ये भी जो है इसका ये आवाज़ सुन सकते हैं, ये टिटहरी की आवाज़ है। हमारे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा ये टिटहरी टिर टिर कर रहे थे। और हम आपको अपना पपीता लगाते हैं, जो हमने पपीता लगाया है झाड़ियों के बीच में, पपीता फला हुआ है। ये देखिए ये पपीता है, आपका पपीता में दिखाते हैं। ये देखिए इसमें लगे हुए हैं, जैसे दिखाते हैं आपको क्लोजअप करके। ये अरबी के पत्ते लगे हुए हैं जो मसाला डाल के बना के खाएंगे हम लोग। और ये कड़ी पत्ता है, और ये खेसारी है जिसको बोलते हैं खेसारी का दाल। ये तैयार हो चुका है, सूख चुका है, एक आध दिन में हम इसको तोड़ेंगे और इसमें से दाल निकालेंगे। और ये टमाटर लगा हुआ है, और ये आप तो जानते ही हैं कि ये छोटा नींबू है, चाइनीज़ नींबू इसको बोलते हैं। और ये टमाटर देखिए, टमाटर भले हुए हैं, टमाटर कितने बड़े बड़े हो गए, टमाटर हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये टमाटर, टमाटर है इतने बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए हैं। वो आगे देखिए कितने सारे लगे हैं, वो देखिए आगे फ्रंट पे। और ये देखिए टमाटर, और उसको बीच में से लेके चलते हैं। ये टमाटर कच्चे हैं, और ये लहसुन के बीच में भी टमाटर आए हुए हैं। अभी ये देख सकते हैं ये लहसुन है, और लहसुन के साथ में ये टमाटर भी है। और ये तो जानते हैं ये अड़हुल का फूल है जो महामाई माता रानी को बहुत ही प्यारे होते हैं। माता को अगर इस फूल, ये फूल चढ़ाकर पूजा की जाती है माता रानी की, तो माता रानी बहुत प्रसन्न रहती हैं। और ये लेमन ग्रास है, देख सकते हैं आप, ये हमारा मकान। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, राम राम जी। ये देखिए हमारी मम्मी आ गई हैं ऊपर, वो दिखाते हैं। मम्मी देखा, चलिए ओके दोस्तों, गुड बाय, शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।